जिस तरीके से हम मुसलमान हैं वैसे ही हम लोग भारतीय भी हैं, जिस तरीके से हम मुसलमान हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ हिंदुस्तानी भी हैं, जिस तरीके से हम लोगों को अपना धर्म प्यारा है उसी तरीके से हम लोगों को अपना वतन भी प्यारा है। तो जिस तरीके से हमको इस्लाम के कानून पर अमल करना ज़रूरी है उसी तरीके से हम लोगों को हिंदुस्तान के कानून पर भी अमल करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान का कानून आए दिन बदलता जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को शादी ब्याह में क्या करना चाहिए उसका एक मसला है, उसको गौर से सुनिए। मसला यह है कि आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, दो साल, चार साल, पाँच साल के बाद ही सही, आपको यहाँ का नागरिक होना साबित करना पड़ेगा, आपको यहाँ की शहरियत साबित करनी पड़ेगी कि हम यहाँ की हिंदुस्तानी हैं, हमारी पैदाइश यहाँ की है, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए थे। इसको साबित करने के लिए आपको कागज़ और प्रूफ देना पड़ेगा। उसी के साथ ये सब तैयारी तो बहुत दो तीन साल से हल्ला गुल्ला और बहुत शोर शराबा में उम्मीद है कि सब लोग कर लिए होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ यह है कि एक लड़की दूसरे गांव जा रही है तो इसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये औरत वहाँ, ये लड़की वहाँ से यहाँ आई है तो किस बुनियाद पर आई है, क्या इसका प्रूफ है कि हाँ इसकी शादी इससे हुई है। जब इसका प्रूफ उसको मिलेगा तभी आप उसके इससे होने वाले बाल बच्चे यहाँ के शहरी माने जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा उस वक्त। अभी आपके मौजूदा दौर में आपके इस बिहार के अंदर इमारत शरिया आपका एक तंजीम है, उस तंजीम के प्लेटफार्म से निकाह का सनद फार्म दिया जाता है। अगर उस निकाही फार्म को आप पूर्ण करके निकाह करवाएंगे तो वो निकाह का और उस फार्म का वैल्यू है सरकार के यहाँ, और उस फार्म की बुनियाद पर आप ये मान्यता दे सकते हैं सरकार को कि हाँ ये हमारा निकाह फला का फला से फला वक्त में हुआ है, उसके ऊपर गवाह और ये सब कुछ होता है। उसके साथ साथ आप ये सुन लीजिए, अगर दो दिन पहले यहाँ दारुल क़ज़ा ढाका में आप जा करके ये सारा कुछ लिखवा देंगे और उनका जो कुछ होगा, उनके यहाँ शर्त यह है कि शादी से पहले हमारे यहाँ गवाह और जो कुछ भी उन लोगों का उनका मुतालबा है वो सब हमारे यहाँ आ जाए, तो यहीं से वो सर्टिफिकेट दे देंगे, यहीं से वो सर्टिफिकेट दे देंगे और उस सर्टिफिकेट का आपके यहाँ वैल्यू होगा। लेकिन अब आपने निकाह कर लिया या निकाह के दिन जाइएगा तो उसका वो वैल्यू नहीं है, या निकाह के बाद आप जाइएगा उनसे सनद लेने और सर्टिफिकेट लेने कि हमारा निकाह हो गया है, इसका सर्टिफिकेट दीजिए, तो फिर आपको यहाँ से के बजाय आपको फिर जाना पड़ेगा यहाँ, वो गवाही लेंगे, गवाही लेने में गवाह लोग पहुँचेंगे, कादी पहुँचेगा और दोनों तरफ के जिम्मेदार पहुँचेंगे, लड़का लड़की का गवाही होगा, ये सब गवाही लेने के बाद फिर आपको पटना भेजा जाएगा, अब पटना से इमारत शरिया से फिर आपको सर्टिफिकेट बनेगा। इसलिए इस बात का ध्यान खास तौर से हमारे ढाका के इलाका के लोग इस बात पर ध्यान दें कि दो दिन पहले, तीन दिन पहले, जैसे सारा काम हम शादी ब्याह के मौके से करते हैं, चार दिन पाँच दिन पहले ही काजी साहब से हम रब्ता करके, तो वो सर्टिफिकेट हमको कैसे मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को हासिल करने का जो तरीका है उसको अख्तियार कीजिएगा, तो फिर आगे चल करके कोई मसला दरपेश नहीं होगा, और अगर होगा तो इंशाल्लाह वो कागज़ आपको सबूत के तौर पर है। इसलिए इस बात का ध्यान देना है, आज के दौर में जो हम लोग कागज़ लिखते हैं वो नाम याद रखने के लिए या मुहर्रम याद करने के लिए लिख लेते हैं और आपको कागज़ दे देते हैं, इस कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको चाहे जितना सहित करके रखिए। इसलिए इस बात का पूरा पूरा ध्यान देना है कि हमको वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेना है, और सर्टिफिकेट ले लेने के बाद फिर उसको हिफाजत से रखना है, इसलिए कि जहाँ हम लोग अपने नाम अपना प्रूफ देंगे वहाँ पर ये भी प्रूफ देना होगा कि इस लड़की का निकाह फला जगह, ये लड़की फला जगह की है, यहाँ आई तो कैसे आई, उसका प्रूफ चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों को इसका ध्यान देना।